नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं औसत का भाग वन। तो दोस्तों, चलते हैं और औसत के प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 20 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु है 28 वर्ष और शेष टीम की औसत आयु है 24 वर्ष है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी। दोस्तों, पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी यह ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सरल तरीका बताने जा रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला के। तो दोस्तों, सबसे पहले बोले कप्तान की आयु 20 है, तो दोस्तों कैप्टन की आयु 20 रहेगी और यहाँ पर विकेट कीपर की आयु कितनी है 28 वर्ष। दोस्तों, दो एक टीम में टोटल कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों दो खिलाड़ी तो जे हो गए यहाँ पर, तो इनका आयु का ये हो जाएगा टोटल 48 वर्ष। 48 वर्ष के तो टोटल ए हो गए। उसके बाद क्या बोला है, बाकी शेष टीम की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी कि 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो आप 9 × 24 करेंगे बराबर आएगा 216। दोस्तों 48 इन दोनों खिलाड़ियों की और बाकी 9 खिलाड़ियों की 216 है, तो आप 216 और 48 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो इनका शेषफल शेष होगा 264। दोस्तों 264 होने के बाद आप टोटल पूरी टीम की औसत आयु चाहिए, तो 264 को आपको 11 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप 264 को 11 से डिवाइड करेंगे आप आंसर पाएंगे 24, यानी कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी है दोस्तों 24 है। दोस्तों इन प्रश्नों को सभी को लॉजिक तरीके से करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है कितना 24, आंसर 24 वर्ष रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 42 संख्याओं का औसत 50 है, इसमें से दो संख्याएं 35 और दूसरी 65 हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों 42 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 50। दोस्तों आप सब में पहले यहाँ पर 42 संख्याओं कितना 50 इंटू करेंगे, तो आप यहाँ पर पाएंगे इनका इंटू करके 2100 हो जाएगा यार। इसके बाद दो संख्याएं माइनस करेंगे, इसमें से दो संख्याएं माइनस करेंगे तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी 40 संख्याएं टोटल हो जाएंगी और इनका योग कितना है 35 + 65, इनका योग हो जाएगा 100। दोस्तों 2100 और 100 यानी कि 2100 और 100 इनमें से माइनस करेंगे तो आपका शेष प्राप्त होगा 2000। अब 2000 है दोस्तों, इसके बाद संख्याएं 42 थी और दो माइनस हो गई थी, इसमें बची 40। आप 40 को 2000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसका एवरेज आया जाएगा 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 10 छात्रों के समूह की औसत आयु 18 वर्ष है, औसत 18 वर्ष है और 40 वर्ष के अध्यापक को इस समूह में शामिल कर लेने पर समूह की औसत आयु क्या होगी। देखिए तो सबसे पहले 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष, तो यहाँ पर आप 10 × 18 करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे 180 हो जाएगा। इसके बाद 40 वर्ष के एक अध्यापक यानी कि एक व्यक्ति और जुड़ रहा और यहाँ पर 40 वर्ष उसकी आयु है, तो इसको 40 इसमें ऐड कर देंगे तो इसको इनका योग आएगा 220। 220 योग आने के बाद 220 योग आ गया और व्यक्ति कितने हो गए 11 व्यक्ति हो गए, तो 220 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका 20 वर्ष, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 20 वर्ष। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है,
सात सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। एक 55 वर्षीय वृद्ध के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले सात सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी? 25 वर्ष है। तो यहाँ पर आप 25 इंटू 7 करेंगे, इसको बराबर आ जाएगा 175। 25 इंटू 7 करेंगे तो 175 आ जाएगा। इसके बाद टोटल आयु इनकी, टोटल आयु का ये हो जाएगा 175, जिसमें से 55 वर्षीय वृद्ध का निधन हो जाता, मतलब इसमें से आपको 55 इसमें से माइनस करने होंगे। जैसे ही आप इसमें 55 माइनस करोगे तो इसका योग आएगा 120। अब जैसे 120 आ गया तो आप देखेंगे ये सात सदस्य थे तो उनका आयु का एक था 175, अब बचे कितने? 6 सदस्य। तो यहाँ 6 से भाग दे देंगे, तो आप 120 में 6 से भाग देंगे या 120 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले तीन संख्या का औसत 28 है, यानी कि 28 × 3 इसके बराबर आ जाएगा दोस्तों 84। इसके बाद देख, टोटल तो दोस्तों 84 हो गए। अब देखने संख्याएं निकालना है, तो एक संख्या, दो और तीन। अब देखना ये है, बोल क्या रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, यानी कि आप इसको एक मान सकते हैं, आधी इसको डबल कर देंगे तो दो हो जाएगी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या सॉरी तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है, यानी कि ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इसकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। अब एक संख्या एक, दूसरी दो, तीसरी है 4। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे? 6 और एक 7 हो जाएगा, 1 2 4 7 हो जाएगा। आप 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप 84 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 12। आप क्या बोल रहे हैं, तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या निकालना है। तो दोस्तों आपने जैसे पहले ही देख लिया था कि पहली संख्या कितनी है? एक, दूसरी संख्या दो और तीसरी संख्या है 4। अब तीसरी संख्या 4 है तो आप इसको 12 से मल्टीपल या गुणा कर देंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 12 चौक 48। दोस्तों तीसरी संख्या हो जाएगी 48। आप यहाँ लिख सकते हैं तीसरी संख्या हो जाएगी 48, दूसरी संख्या 24 और पहली संख्या हो जाएगी 12। दोस्तों यह देख लीजिए, पूरे के पूरे मैच जो प्रश्न में दिया है सभी का बिल्कुल ठीक ठीक आंसर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।